नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस चैनल पे दोस्तों मॉर्निंग में हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज, वो तो आज हम कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ी न्यूज इकोनॉमी की आ रही है, वो आ रही है मुंबई से। मुंबई में क्या होता है, बेसिकली जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है, वो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी 3 दिन तक, 8 से 10 दिसंबर तक। इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का जो निर्णय था वो दोस्तों आज मॉर्निंग में आरबीआई गवर्नर साहब ने सबको दिखा। उसमें सबसे बड़ी न्यूज है कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं है दोस्तों, नो चेंज इन रेपो रेट। सब कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया। तो आज हम पूरा जानेंगे मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनिटरी कमेटी का क्या काम होता है, रेपो रेट क्या होती है, सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखिए, आरबीआई एमपीसी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हाईलाइट्स, आरबीआई कीप्स इंटरेस्ट स्टडी, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया। सेकंड न्यूज आप देख सकते हैं, आरबीआई एमपीसी अपडेट, रेपो रेट अनचेंज। क्या हुआ, रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, तो पूरी माजरा क्या अभी हम ढंग से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो देखो, देश में इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी होती है जिसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई को नियंत्रण। महंगाई को नियंत्रण कैसे करते, तो मैंने बताया दो तरीके से, डिमांड कंट्रोल करके और सप्लाई कंट्रोल करके। तो डिमांड को अगर कम कर दें तो हम महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है दोस्तों। डिमांड कैसे होती है, डिमांड कब करेगा आदमी, जब उसके पास पैसा होगा। तो डिमांड घटाने के लिए सबसे पहले क्या करना, पैसे की मात्रा घटानी पड़ेगी, मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। मनी सप्लाई कम करने कैसे ले कैसे कर सकते हैं, लोन महंगा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लोन महंगा पड़ना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सब क्रियाएं, इसमें महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, लोन को कॉस्टली किया जाता है, डिमांड को डिक्रीज किया जाता है, उस पूरी प्रक्रिया को, उस पॉलिसी को कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी। मौद्रिक नीति वो पॉलिसी है जिसमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। यह किसी भी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा बनाई जाती है, इंडिया में है आरबीआई, आरबीआई। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात। अब तो फिर सर, यह मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी क्या बोला है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। देखो दोस्तों, जो 2016 से पहले, बिफोर 2016, जो ये मॉनिटरी पॉलिसी का बनाने का काम कौन करता था, बेसिकली आरबीआई गवर्नर अकेला करता था। आरबीआई का गवर्नर क्या करता था, अकेला क्या करता था, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, ये अकेले डिसीजन ले लिया करते थे कि कैसे मॉनिटरी पॉलिसी को चेंज किया जाए, कैसे उसको इम्पैक्ट डाला जाए। लेकिन बाद में ऐसा एक कमेटी बनाई थी, उर्जित पटेल कमेटी साहब, उर्जित पटेल कमेटी। इस उर्जित पटेल कमेटी ने कहा कि भाई एक आदमी कोई डिसीजन लेता है तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, इसलिए क्या करो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत क्या करो, एक कमेटी बनाओ, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। क्या करो, एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाओ जो सारा डिसीजन ले सके। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही बाद में आरबीआई एक्ट जो 1934 है, इस आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड किया गया और एक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया। इसमें टोटल 206 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर तो आरबीआई से होते हैं, आरबीआई के जो 3 ऑफिसर होते हैं ना, वो तो 3 तो वो होते हैं, और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक्सटर्नल मेंबर कहते हैं जिनको, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेंबर आरबीआई के बाहर से होते हैं। ये अपने अपने फील्ड के या इकोनॉमी के फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, कोई बड़ा प्रोफेसर हो, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हो, कोई बैंकिंग का फाइनेंशियल सेक्टर का नॉलेजेबल पर्सन हो, ऐसे आदमी को 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। आरबीआई के जो 3 लोग होते हैं, सबसे पहले तो आरबीआई का गवर्नर होता है, ये इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, क्या होता है, इसका चेयरपर्सन यही होता है, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है उसका चेयरमैन दोस्तों ये आरबीआई का गवर्नर होता है। एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर होता है, कौन होता है, आपके आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, और एक और दोस्तों क्या होता है, एक और आरबीआई का एक ऑफिसर होता है। ये 6 लोग बैठते हैं, मिलते हैं और आपस में फिर क्या करेंगे, मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे, मेजोरिटी से डिसीजन लेंगे, जो बहुमत से इस कमेटी में निर्णय होगा वो निर्णय इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ये मॉनिटरी पॉलिसी कब कब मिलती है, तो मॉनिटरी पॉलिसी में मैंने बताया 6 लोग हैं, ये डेली नहीं मिलता है, ये इनका जो रूल है दोस्तों 2 मंथ में एक बार मिलते हैं। क्या करते हैं, 2 महीने में एक बार मिलते हैं, इसको कहते हैं बाई मंथली मीटिंग। क्या कहते हैं, बाई मंथली मीटिंग, हर 2 महीने में इनकी मुलाकात मुंबई में होती है, 6 के 6 लोग बैठते हैं, 3 दिन तक डिस्कस करते हैं, 3 दिन तक चर्चा करते हैं, फिर लास्ट के दिन जो भी डिसीजन लेता है उसको सबको बताते हैं। अब ये जैसे कि ये साल चल रहा है 2023-24, तो सबसे पहले तो मीटिंग कब हुई होगी, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अप्रैल में हुई होगी, फिर मई जून जुलाई जून में हुई होगी, फिर जुलाई अगस्त लेटेस्ट में अभी हुई है। तो ऐसा ये थर्ड बाई मंथली मीटिंग थी दोस्तों इस साल की, इस फाइनेंशियल ईयर की कौन सी थी, थर्ड बाई मंथली मीटिंग थी ये, 8 से 10 अगस्त तक, क्या हुआ, 8 से 10 अगस्त तक मुंबई में चली, ठीक है। और लास्ट जो आज 10 अगस्त है, आप सबको पता है, आज फिर फाइनली आरबीआई गवर्नर मीडिया के सामने आए और
इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया ये उन्होंने सबको बताया, सबकी नजर दोस्तों, और सब तो बात की बात है। सबसे जब भी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मेन मीटिंग होती है तो सबसे मेन डिसीजन ये रहता है कि भाई रेपो रेट में क्या किया गया। तो रेपो रेट क्या है इसकी कहानी सुन लो। अब इसमें क्या क्या डिसीजन हुए हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले थर्ड बाई मंथली मीटिंग थी, मैंने बता दिया थर्ड क्यों। सबसे पहले अप्रैल में हुई, फिर जून में हुई, फिर अगस्त में हुई। तो ये थर्ड बाई मंथली मीटिंग है, 8 से 10 अगस्त तक चली थी। फाइनल दिन डिसीजन को जनता के सामने दिया जाता है। सबसे पहले जो सबसे मेन डिसीजन होता है जिसका हमेशा से हर व्यक्ति को, हर इकोनॉमी के नॉलेजेबल पर्सन को इंतजार रहता है कि वो आरबीआई रेपो रेट क्या कर रहा है। तो रेपो रेट किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये बैंकों को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। क्या करता है? लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो लोन देगा तो ब्याज लेगा ना? लेगा ब्याज लेगा। तो इस ब्याज दर को क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। सिंपल सी बात, आरबीआई द्वारा बैंकों को जो शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया जाता है उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? रेपो रेट को सस्ता करेगा, समझो कम करेगा। तो जब बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा तो ये आगे जनता को सस्ता लोन देंगे नहीं देंगे? तो कस्टमर को क्या मिलेगा? सस्ता लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। अब जब सस्ता लोन मिलेगा तो लोग लोन लेना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। भाई अगर आप और मैं बैंक जाऊं कहीं, हमारे पास एक तो 5% में ब्याज मिल रहा हो, 15% मिल रहा हो, तो मैं कब लेना पसंद करूंगा? मैं 15% पर लेना, मैं 5% पर लेना पसंद करूंगा। तो अगर लोन सस्ते होते तो ज़्यादा लोग लोन लेते हैं, तो इस देश में मनी सप्लाई बढ़ जाती। तो मनी सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों सपोज करो आरबीआई जो रेपो रेट बढ़ा देता है, मतलब अब आरबीआई बैंकों को महंगे दर पर लोन दे रहा है। जब आरबीआई महंगे दर पर लोन देगा तो जो बैंक है वो कस्टमर को सस्ता लोन देंगे महंगा लोन देंगे? तो जो कस्टमर जो लोन लेगा ना वो भी महंगा देंगे। महंगा देंगे तो लोग पैसा ज़्यादा लोन लेंगे कम लेंगे? तो कम लेंगे तो मनी सप्लाई विल बी डिक्रीज। मनी सप्लाई कंट्रोल में पैसा कम हो जाएगा तो फिर इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल में जाएगी। तो दोस्तों इसलिए कहते हैं जब भी देश में महंगाई बढ़ जाती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट को बढ़ा देता है। भाई इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है ना, महंगाई बहुत बढ़ गई देश में, तो क्या करो? डिमांड कम करना है। अब डिमांड कम करनी है। डिमांड कम कब कैसे होगी? मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। मनी सप्लाई कम कब होगी दोस्तों? जब रेपो रेट लोन महंगा करोगे आप, लोन क्या करोगे? कॉस्टली करोगे। लोन कॉस्टली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, ये पूरा गेम होता है। तो इन्फ्लेशन जब जब भी बढ़ती है तो रेपो रेट बढ़ती है, पर इसका रेपो रेट बढ़ाने से दोस्तों महंगाई तो कंट्रोल होगी लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है। अब लोन कॉस्टली हो जाएगा तो आप हमें लोन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? ओवरऑल जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो घट जाएगी। भाई जब लोन लेके चीजें खरीदेगा नहीं कोई आदमी तो कंपनी प्रोडक्शन क्यों करेगी? कंपनी प्रोडक्शन नहीं करेगी तो क्या होगा? देश में जीडीपी ग्रोथ रेट घट जाएगी, तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी देश में। पर फिलहाल जो मैंने बताया आपको, जो अभी वर्तमान दौर चल रहा है पोस्ट कोविड जो टाइम चल रहा है ना, वो दोस्तों महंगाई का दौर है। पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ज्यादा है, सारी दुनिया में देश परेशान है महंगाई से। अमेरिका जैसे देशों में 9%, यूके में 9%, चाहे वो यूके हो, यूरोप हो, सब जगह महंगाई से बहुत त्रस्त है। तो सब देश के बैंक क्या कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक जो ये रेपो रेट है, अपने अपने देश में अपने अपने नाम होगा, ये रेपो रेट को बढ़ा रहे हैं। तो आरबीआई ने भी दोस्तों क्या किया था 2022 के लगभग से अब तक 2.5% के आसपास, 2.5% के आसपास रेपो रेट बढ़ा दी। और पिछले एक दो मॉनिटरी पॉलिसी से इसने क्या कर रखा है? पॉज कर रखा है। अब कंफ्यूजन था कि इस बार क्या करेंगे। महंगाई का डाटा भी आया नहीं दोस्तों, पिछली बार तक डाटा था वो कुछ कंट्रोल में था। जो महंगाई की लिमिट है आप जानते हो 4 ± 2 होती है, 2 से 6% के रेंज में होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट है। तो अभी आरबीआई कंफ्यूजन में कि क्या करना चाहिए, तो इसने एक दो बार से क्या कर रखा है? पॉज कर रखा है, न तो घटा रहे ना बढ़ा रहे। तो इस बार भी इन्होंने क्या कर रखा है? इस पॉज को कंटिन्यू कर रखा है कि अभी हम और देखेंगे, महंगाई का और डेटा आने दो, फिर उसके बाद निर्णय करेंगे अगली बार में। तो इन्होंने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, 6.5% पर फिक्स है। कितना पर फिक्स है? 6.5% पर फिक्स है। तो यही इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की सबसे मेजर डिसीजन यही था दोस्तों कि रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया, रेपो रेट वैसा का वैसा 6.5% पर रखा गया है। ये आप देख सकते हैं सबसे पहला जो घटना यही थी, पॉलिसी रेपो रेट नो चेंज। इसके बाद बैंक रेट और मार्जिनल एक्सटेंडिंग फैसिलिटी में भी कोई चेंज नहीं है दोस्तों। आप सबको पता है एक कॉरिडोर होता है। देखो अब हर चीज़ यहाँ बताना संभव नहीं, करण जी में ये तो बेसिक, अगर आपको याद नहीं है तो फिर उसके अलग क्लास हो सकती है, उसको आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। हर चीज़ यहाँ बताना संभव नहीं कि बैंक रेट क्या होती है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। रेपो रेट्स दोस्तों क्या होती है? ये पॉलिसी रेट है,
जो आरबीआई है इसी को चेंज करता है, बाकी को चेंज नहीं करता। इसके ऊपर क्या होता है, बैंक रेट होता है या मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है। तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट में चेंज करता है, बैंक रेट में कभी कोई चेंज नहीं करता। बैंक रेट एमएसएफ रेपो प्लस 25% होती है, 0.25% होती है। तो अगर पॉलिसी रेट या रेपो रेट 6.5% है तो ये कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 6.75% हो जाएगी। अगर इसको बढ़ा के रेपो को 7 कर देते तो बैंक रेट अपने आप 7.25% हो जाती। एक कॉरिडोर रहता है 0.25% का, समझ गए बात को। इसके नीचे दोस्तों आता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ, तो इसमें भी कॉरिडोर होता है। ये कितना होता है, ये -25% होता है, -0.25% होता है। ये कितना हो जाएगा, 6.25%। तो दोस्तों जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया गया तो बैंक रेट में चेंज होगा क्या, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में चेंज होगा क्या, एचडीएफ में चेंज होगा नहीं होगा। तो ये 6.5% था तो ये कितना, 6.75%, ये 6.25% रह जाएगा। तो बैंक रेट और एचडीएफ और एमएस अपने जगह यथावत बने रहेंगे। देख सकते हैं आप बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो पॉलिसी रेट प्लस 0.25% ऊपर होता है, एचडीएफ कितना होता है 0.25% माइनस नेगेटिव होता है, ये 6.25% हो जाएगा। तो ये तीनों डेटा में कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है दोस्तों। ऐसे एक और था रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो में आज के डेट में क्या हुआ, कोई चेंज नहीं किया जा रहा दोस्तों। आज के डेट में मेन टूल नहीं रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, मेन टूल क्या बना दिया, एचडीएफ बना दिया। एक मिनट के लिए समझ लो इसको, ये आरबीआई है, ये बैंक है। आरबीआई ने, बैंकों ने आरबीआई से लोन लिया तो जो ब्याज दिया उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेपो रेट। तो ये रिवर्स रेपो रेट उसको इसका उल्टा है। अब बैंकों के पास ज्यादा पैसा है तो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। बैंकों के पास सरप्लस राशि हो तो वो आरबीआई के पास जमा कर देते हैं, बदले में आरबीआई इनको इंटरेस्ट देगा। तो जो इंटरेस्ट देगा उसको क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं दोस्तों, ठीक है बात। तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया और ये 3.35% पर यथावत बना रखा गया। आप देख सकते हैं रिवर्स रेपो रेट में कोई चेंज नहीं, 3.35% रखा गया। एसएलआर में, सीआरआर में कुछ चेंज किया गया दोस्तों, समझने की बात यही है जो पहले कभी मतलब न्यूज में नहीं थी। एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया, उसको हम समझते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट समझ लो, बैंक के पास जितना भी टोटल पैसा जमा होता है उसको कहते हैं उस बैंक का एनडीटीएल, क्या कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। आज इतना टाइम नहीं कि हम इसको एक एक चीज डिस्कस कर सके, आज तो हम केवल करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते हैं। तो इसका कुछ परसेंट हिस्सा आरबीआई को, आरबीआई के पास कैश रखना पड़ता है बैंक को, इसको कहते हैं दोस्तों कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई के पास जितना एनडीटीएल आता है उसका कुछ परसेंटेज क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में कैश में रखना पड़ता है। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इस चीज को कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये हम भी करते हैं, अगर आपके पास 1,00,000 रुपए आएंगे तो आप 2,000 रुपए अपने घर के उसमें रखोगे ताकि इमरजेंसी में कोई मांगने आए तो, या कोई खर्चा आए तो आप वहां से तुरंत निकाल के दे सको। ऐसे मतलब समझ को इमरजेंसी में बैंक के पास पैसा नहीं है तो उस आरबीआई के पास सुरक्षित पड़ा है इतना सारा कैश, तुरंत वहां से लेके किसी को पेमेंट कर सकते हो। तो ये इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। आज की डेट में 4.5% है, मतलब अगर 100 रुपए आरबीआई के पास जमा है, मतलब बैंक के पास जमा है, तो 4.5 रुपए वो बैंक के आरबीआई के पास कैश में रख देगा। दूसरा दोस्तों कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो आरबीआई कहेगा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी चाहे गोल्ड हो गया, ऐसे जो बढ़िया चीजें हैं ना जहाँ पर रिस्क बहुत कम होती है, ऐसी चीजों में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारी जिंदगी से जुड़ा होता है। अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए आया तो मैं 2, 5, 10, 20 हज़ार रुपये तो बैंक अपने घर पर तिजोरी में या लॉकर में सेफ रखूंगा, कुछ पैसा मैं गोल्ड में या कहीं ऐसा बैंक में एफडी कराऊंगा जहां पर जोखिम नहीं, फिर उसके बाद में कुछ पैसा उधार देना ही सोचूंगा। सारा पैसा कभी भी उधार नहीं दिया जाता, कुछ पैसा सही जगह पर निवेश किया जाता है ताकि वो डूबे नहीं। तो ऐसे बैंक कुछ पैसा क्या करो, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, इसको कहते हैं एसएलआर, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आज की डेट में 18% है, ठीक है। तो दोस्तों इन रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ऐसा ही रखा गया है। एसएलआर देख लो आप 18% है, सीआरआर कितना है 4.5% है। स्टांस दोस्तों, स्टांस का इतना सा मतलब होता है कि अगली बार जब मीटिंग होगी तब क्या होगा, तो फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, मतलब पहले कभी है ना रेपो रेट में कमी करी थी तो उसको हटा रहे ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो इस स्टांस का क्या नाम है, फोकस्ड ऑन विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। पूर्व में कभी अकाउंट किया था, पहले जो रेपो रेट बहुत घटाई थी, अब उसको क्या कर रहे हैं, वापस से ले रहे हैं, हटा रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, इसलिए इस स्टांस का क्या नाम है, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आज की मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन है दोस्तों, वो है इंक्रीमेंटल सीआरआर। क्या है, इंक्रीमेंटल सीआरआर, ये कंसेप्ट समझ लो। सपोज करो ये बैंक के पास था 100 रुपए डिपॉजिट आ रहे थे, तो मैंने बताया आपको इसको कितना सीआरआर मेंटेन करना था, 4.5%, 4.5 रुपए, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी ये ना कुछ एसएलआर करेगा, बाकी ये लोन दे देगा,
लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बैंकों के पास एकदम से अचानक से खूब सारा पैसा कैश आ जाता है, खूब सारा पैसा उनके पास कैश आ जाता है, तो बैंकों को समझ नहीं पड़ता क्या करें। जैसे सपोज को सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है 2016 में नोटबंदी हुई, सबको पता है। तो एकदम से ये बैंक है, इसके पास 500,000 के नोट क्या हो गए, जो 500,000 के नोट एकदम से बैंकों के पास जमा हो गए खूब बड़ी मात्रा में। अब बैंक इन नोटों को क्या करेगा, तो फिर कंसेप्ट आया इंक्रीमेंटल सीआरआर का। क्या आया? इंक्रीमेंटल सीआरआर। अब इन पैसों को बेसिकली क्या चाहता था आरबीआई, अपने पास चाहता था, फिर उसके बदले नए नोट जारी करना चाहता था। तो इन्होंने कह दिया कि जो आपके पास जितने 500,000 के नोट हुए ना, जितने भी नए डिपोजिट आए हैं, उसका क्या करो, 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर कर दिया हमने। कितनी कर दी? 100% इंक्रीमेंटल सीआरआर। मतलब अब जो नया जितना भी डिपोजिट आया, 100 का 100% आरबीआई के पास जमा कर दो। तो समझे ना बात, जो पैसा 500,000 के पुराने नोट आए थे, सर कहाँ पहुंच गए? आरबीआई के पास पहुंच गए। ऐसे दोस्तों अभी क्या हो रहा है, अभी क्या किया गया, अभी 2,000 के नोटबंदी किए गए हैं। किया गया नहीं किया गया? 19 मई को किए होंगे, मुझे एकदम याद नहीं है। 19 मई को किए, 19 या 20 मई को किए थे शायद। 2,000 नोट के बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तो अपने पास तो रखेंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक के पास अचानक से पैसा बढ़ गया। अब बैंक इन 2,000 के नोट पर क्या करेगा, ये पहुंचने आरबीआई के पास। तो यही बैंक ने किया कि भाई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, सबको पहले 100 रुपए के तो डिपोजिट थे 19 मई से पहले, ठीक है। तो इस पर तो 4.5% क्या करना है आपको, सीआरआर मेंटेन करनी 4.5 रुपए। लेकिन 19 मई के बाद सपोज करो आपके पास 50 रुपए नया डिपोजिट आया, ठीक है, तो इस पर दोस्तों 4% नहीं, 4.5% नहीं, 4.5% के अलावा 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल सीआरआर नाम से पैसा आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ये होता है कंसेप्ट इंक्रीमेंटल सीआरआर का, समझे बात को। जो नए डिपोजिट आई है उस पर 4.5% की सीआरआर लागू नहीं होगी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा लागू होगी। एक्स्ट्रा कितने लागू होगी, जो आरबीआई बताएगा। सबसे पहले देखो आप न्यूज देखो, 2,000 का जो नोट विड्रॉल किया तो जनता ने क्या किया, बैंकों में पैसा जमा किया, बैंकों के पास खूब सारी लिक्विडिटी बढ़ गई। अब उस पैसे को क्या करना चाहता है, आरबीआई अपने पास लेना चाहता है, तो कैसे लेगा? तो इसका टूल होता है इंक्रीमेंटल सीआरआर, आईसीआरआर। इस शेड्यूल कर जो मई 2019, जो 19 मई 2023 बेसिकली जिस दिन 2,000 के नोट बंद किए थे उससे, और जुलाई 28, मई 19 से जुलाई 28 के बीच में जितने भी डिपॉजिट हुए ना, जितना भी पैसा डिपॉजिट हुआ नया, उस पर आपको 4.5% तो मेंटेन करनी है सीआरआर, 10% और एक्स्ट्रा करनी है। कितने करनी है? 10% एक्स्ट्रा करनी है। तो 10% एक्स्ट्रा करेंगे, इसको कहेंगे इंक्रीमेंटल सीआरआर, इंक्रीमेंटल सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे। तो इंक्रीमेंटल एनडीटेल का 10% आईसीआर ये रवाना होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंक्रीमेंटल सीआरआर कंसेप्ट लेटेस्ट में नया आया, पहले 2016 में आया था, लेकिन क्या होगा ये अभी दोबारा आया, तो इसको याद रखना दोस्तों। ये कोई परमानेंट मेजर नहीं है, ये एक टेम्परेरी मेजर है, जो जो अभी टेम्परेरी क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ी है मार्केट में, उसको कम करना है, उसको एब्जॉर्व करना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एक और दो डेटा देंगे जो 2023-24 है, इसमें हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी। ये जितने जब भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होती है दोस्तों, आरबीआई ये डेटा देता है। सबको 2022-23 में 100 रुपये थी, तो इस साल क्या स्थिति होने वाली है, ये डेटा अनुमान लगाता है, एस्टिमेट लगाता है, आरबीआई कुछ कैलकुलेटर करता है। तो दोस्तों इस बार इसको 6.5% माना गया है, हालांकि पिछली बार भी इतना ही अनुमान किया गया था, इसमें कोई चेंज नहीं था। तो ये डेटा याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीआई ने इस फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी मानी है, कितनी एक्सपेक्ट की है, 6.5%। ऐसे ही एक सेम डेटा देता है 2023-24 के लिए इन्फ्लेशन, जो आने वाला टाइम है। भाई आरबीआई का मेन काम क्या है, इन्फ्लेशन है, तो पहले से एक अनुमान तो लगा के रखो कि इस साल इन्फ्लेशन का क्या स्थिति होने वाली है। तो दोस्तों जब पिछली बार मीटिंग हुई थी जून में, तब यह माना था कि इस साल 5.1% क्या रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी, महंगाई रहेगी। लेकिन इस बार अभी आप सबको जानते हो, टमाटर महंगे हो रहे हैं, सब्जियां महंगी हो रही है, फल महंगे हो रहे हैं, तो अब आरबीआई ने इसको रिवाइज कर दिया, उनको लगता है कि महंगाई और बढ़ेगी, तो अब इन्होंने इस साल एवरेज 5.4% इन्फ्लेशन माना है। तो ये डेटा दोनों आपको याद रखना, आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है 2023-24 के लिए 6.5% माना है, इन्फ्लेशन जो 2023-24 के लिए 5.4% मानी है। अब लास्ट न्यूज है दोस्तों, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी। देखो क्या, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हो गए, इसके अलावा आरबीआई अपने से और कई सारी घोषणाएं करता है, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके, जैसे यूपीआई को लेके, ऐसे कई सारी घोषणाएं करता है। तो बेसिकली मेन घोषणा एक ही हुई है, वो हुई है यूपीआई लाइट की। यूपीआई लाइट आप सब जानते हो, ये यूपीआई का छोटा भाई है, ये तो आपको पता है। यूपीआई में क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, लेकिन यूपीआई लाइट के लिए आपको कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ये बेसिकली क्या करते हैं, ऑफलाइन पेमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, यूपीआई लाइट के माध्यम से इंटरनेट नहीं होने पर भी आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो।
आप सबसे पहले क्या करोगे, एक दिन में वॉलेट में 2,000 रुपये, आप 2,000 रुपये उसमें डाउनलोड कर लो या भर लो उसमें। उसके बाद आप बिना इंटरनेट के 200 रुपये अधिकतम ट्रांजेक्शन पेमेंट कर सकते हो। एक ट्रांजेक्शन का क्या होता है, अधिकतम 200 नहीं होना चाहिए और दिन भर में 2,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये छोटे अमाउंट के लिए बनाया गया है बेसिकली यूपीआई लाइट। तो अब जो ये लिमिट आरबीआई को लगी बहुत कम है, 200 रुपये में तो कोई चीज़ नहीं आती, दुकान पर जाओ तो कुछ चीज़ महंगी होती है, तो इस ट्रांजेक्शन को बढ़ा के 500 रुपये कर दिया। अब आप यूपीआई लाइट मतलब बिना इंटरनेट के एक ट्रांजेक्शन के लिए 500 रुपये तक का शॉप पर पेमेंट कर सकते हो बिना इंटरनेट के। कुल मिला के बात यह है रामकानी, यूपीआई लाइट आप देखो सितंबर 2022 में घोषणा की गई थी। आप जो वॉलेट में 2,000 रुपये अपलोड कर सकते हो और फिर ट्रांजेक्शन करो, लेकिन एक ट्रांजेक्शन 200 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता था। अब ये कितने लिमिट बढ़ा दी, 500 कर दी, अब एक ट्रांजेक्शन 500 रुपये तक आप कर सकते हो। तो दोस्तों आज की जो पूरी न्यूज़ थी, जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की जो स्टेटमेंट वगैरह थे, वो सब कुछ मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर दिया। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।